अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स मेड लाइफ इजी। इसमें आज हम आपको एक पिज़्ज़ा डो बनाने की रेसिपी देना चाह रहे हैं। तो ये जो मैं पिज़्ज़ा डो आपको बनाना सिखाऊंगी, ये इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। और इसके अलावा आप इस डो से पिज़्ज़ा अगर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा। लेकिन शर्त ये है, इसमें जो भी चीज़ों की मेयरमेंट है उसका आपने खास ख्याल रखना है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ मैंने किस कौन सी चीज़ किस हिसाब से ली है। मैंने मैदा लिया है हाफ़ के जी, ये पूरा हाफ़ के जी मैदा है, और ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब है। और मैंने इसमें जो है इंस्टेंट यीस्ट, ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून इसमें ड्राई मिल्क जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें शुगर जाएगी, और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सॉल्ट डाला। तो आइए फिर इसको जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे पास ड्राई जो अज्जा है इनको हम इसमें मैदे में शामिल कर लेंगे। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छाना हुआ, आप भी ज़रूर छान लीजिएगा। और में हम यीस्ट डालेंगे और सॉल्ट। इसमें तमाम खुश्क अज्जा को अच्छे तरीके से डाल के मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स आपने इसलिए करना है ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से हल हो जाए। अब ये जो ऑयल है ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अब इस डो को हमने पानी की मदद से गूंदना है, और पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ना बहुत ज़्यादा डो सख्त हो और ना बहुत ही ज़्यादा नरम हो। ये देखें ऑयल भी इसके अंदर डो के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदूंगी। इसमें तमाम खुश्क अज्जा को अच्छे तरीके से डाल के मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स आपने इसलिए करना है ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से हल हो जाए। अब ये जो ऑयल है ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अब इस डो को हमने पानी की मदद से गूंदना है, और पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ना बहुत ज़्यादा डो सख्त हो और ना बहुत ही ज़्यादा नरम हो। ये देखें ऑयल भी इसके अंदर डो के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करूंगी, और अभी जो है मैं हैंड का इस्तेमाल नहीं करूंगी
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाती है और बहुत हाथों को चिपकती है, इसलिए अभी तो मैं इसको स्पैचुला की मदद से ही ऐसे ही इसमें हम पानी डालकर इसको थोड़ा थोड़ा गूंदेंगे। जितना मैंने ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड किया था, इतना ही ऑयल मैंने दोबारा इसमें लिया था, ताकि मैं हाथ को लगा लगा के थोड़ा सा इसको गूंदती रहूं, ये स्टिकी ना हो जाए, क्योंकि स्टिकी बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। और ये मैंने इसको देखें, पानी लगा लगा के इसको मैंने गूंद लिया, और ये ना बहुत ही ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, नरम डो मैंने इसकी जो है ना वो गूंदी है। तो इसको अब मैं राइज होने के लिए 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दूंगी। तो 2 घंटे तो मैं इसको बाहर ही रखूंगी, फिर बाकी 6-7 घंटे का रेस्ट मैं इसको फ्रिज में रख कर दूंगी, क्योंकि गर्मी है, आप बाहर नहीं रख सकते, बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैं आपको इसको 2 घंटे बाद दिखाती हूँ कि ये कैसा राइज हुआ है, और जो मैंने ऑयल था वो इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया इसको रेस्ट देने के लिए। अब हम इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे कम से कम 2 घंटे। ये आप डो देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से राइज हो गई। इसको मैंने 2 घंटे के लिए जो है रख दिया था, तो आप इसके अंदर ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की राइज हो गई है। उस वक़्त मैंने इसको गूंदा नहीं था, सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स ही किया था। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना इस वक्त मैं गूंदूंगी, और फिर इसके बाद जो है मैं इसको 6 से 8 घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रखूंगी। मैंने इस डो को 10 से 15 मिनट हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लिया। हाथों को मैं बार बार ऑयल लगाती रही हूँ, क्योंकि स्टिकी बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी सॉफ्ट है। तो इसको जो है अब मैं 8 से 10 घंटे का टाइम दूंगी, वो मैं इसको अब फ्रिज में रखूंगी, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और मैंने आपके सामने इसमें ना अंडा वगैरह, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं शामिल की, सिंपल सा इसका फार्मूला है। और आप देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारी डो रेडी होगी। फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको इसे पिज़्ज़ा भी बनाकर दिखाऊंगी। डो को मैंने पूरे 8 घंटे का फ्रिज में रेस्ट दिया है। ये देखेंगे माशाल्लाह से ये दोबारा से फिर रेज हो गई है। अब ये बिल्कुल बिल्कुल रेडी है, ये देखें इसमें कितना इसका ज़बरदस्त यीस्ट इसमें बना हुआ है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इस डो को मैंने 10 से 15 मिनट लगाकर और थोड़ा सा अब मैं इसको गूंदूंगी हाथ के साथ। इसकी डो का मैं एक आपको फार्मूला ये बताती हूँ कि आप ये समझ लें कि इसके ऊपर आप जितना ज़्यादा जुल्म करेंगे पिज़्ज़ा डो के ऊपर, आपका पिज़्ज़ा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। जी ये है मेरे पिज़्ज़ा डो की फाइनल लुक, और माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई है। आप ये ज़रूर डो ट्राई कीजिएगा, आप यकीन करेंगे कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के पिज़्ज़े जो है ना वो भूल जाएंगे इस डो से पिज़्ज़ा बनाने के बाद। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मज़ीद इसी किस्म की और रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।